मॉर्निंग गाइस, दिस डे 7 ऑफ आवर तवांग सीरीज। फिलहाल हम तवांग सिटी में ही है। आज निकलेंगे बुमला पास के लिए। बुमला पास एक बहुत ही खतरनाक रोड है और चाइना बॉर्डर का, तो वहाँ पे जाने के लिए बहुत ही रिस्क लेना पड़ता है। फिलहाल हम जा रहे हैं पर अभी तक फाइनल नहीं हुआ वहाँ तक पहुँचेंगे कि नहीं। कल जो सुना था कि वहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है, रास्ते पे ब्लैक आइस वगैरह है, वहाँ पे बाइक की व्हील पे चेन लगाकर फिर चलाना पड़ता है। अभी हम लोग निकल जाएंगे, बाकी सब लोग तैयार है, मैं भी तैयार हूँ। ये देखिए, ये तो कुछ खास तैयारी, ये जितना साइज का था इससे डबल हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे बाइक चलाना होगा। ये अगर 70 kg था तो 140 kg हो गया, ये तो और भी ज्यादा, ये 77 kg का है, अभी फिलहाल 160 हो जाएगा। मेरे चिट्ठी के साथ 1005 पहना है। तो आप लोग कोई भी ये मत पूछना कि हमारे अंदर कितने ड्रेसेस पहने हैं, ये सीक्रेट है, ये बोला नहीं जाएगा। आप लोग आओ, पता चलेगा। बस का जो हमारा डेस्टिनेशन है ये बहुत ही लंबा है, यहाँ से हम चलेंगे बुमला पास, फिर यहाँ से लौट के हमें तिरंग तक पहुँचना है, बीच में सिला पास भी है। तो रास्ता जो है आज का जो ट्रैकिंग है, एडवेंचर है, ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि पहले तो बुमला पास मिलेगा, फिर लौटते वक्त सिला पास मिलेगा, दोनों खतरनाक रोड है। मजा आएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। तैयार हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तैयार है ना? फिलहाल हम पूरा रेडी है। ये सुबह से इसके सामने से नहीं हटा अभी तक। जब पिछोड़ में ठंडा पानी लगता है ना तब पता चलता है, कितने इसमें कितना है दाम। तो हम आज जहाँ पर जाने वाले बुमला पास, ये 15,200 feet ऊँची है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा शायद, तो फिर हम ऑक्सीजन कैन भी ले आए अपने घर से, और जर्मन घर से लेके आए, और गर्म पानी 2 बोतल तैयार है। आप लोग भी ये सब ध्यान से लेके जाना, गर्म पानी, ऑक्सीजन कैन, ये सब चाहिए, कभी भी सिचुएशन बदल सकता है। इतना ठंडा है यहाँ पर, देखो ये रात को, ये देखो पानी कैसे जम के बर्फ बन गया, बाइक ही शायद जम गया। ये देखो उसके देख के रख लेना, बुली थे रहा क्या ये भाई साहब, बढ़िया है ना। तो अभी हम निकल गए और आप यकीन कर सकते हो, आप लोग पूरा तैयार है, कहीं पे हम जा रहे हैं, सामने जगह पता चलेगा कि रास्ता कैसा है और आगे जा पाऊंगा कि नहीं। तो अभी चलते चलते हमें यहाँ पर एक लेक दिखा, अभी समझ सकते हो कि 10,000 feet ऊंचा जगह में ये लेक बना है। फिलहाल ये कौन सा लेक है पता नहीं, बट ये अभी फ्रोजन है, पूरा जम गया, पूरा फ्रोजन लेक है। थोड़ा इसका व्यू देखिए, फिर यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। हाँ ये देखिए, ये ज्यादा अंदर मत जाना भाई। ये देखिए, मैं यहाँ पे पैर रख रहा हूँ, रुको। हाँ पूरा फ्रोजन है, देखिए ये देखिए, ये पानी आ गया। ये पूरा फ्रोजन है यार, अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा ना, पहली बार देखा ऐसा फ्रोजन लेक। हाँ थोड़ा यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको,
ये मेरा गिर गया था। भाई इतना देता है भाई, बहुत सीट कर रहा है, बहुत बहुत सीट कर रहा है। अरे इधर से कपल तो चलो 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 कैसे निकलेंगे? हाँ और बड़ा भैया पूरा करेगा। ओए सनो यहाँ पे रास्ते बहुत खराब है, यहाँ पे आर्मी वाले गाड़ी पे चेन लगा के गाड़ी निकल रहा है, पूरा हमारा बाइक भी फिसल गया। सामने जाना बहुत मुश्किल है, अभी फिलहाल ट्राई कर रहे हैं सामने जाने की, और सामने अगर रास्ता ठीक ठाक है तो जाएंगे, वरना पता नहीं। वैसे यहाँ काफी बर्फ है चारों तरफ, रिस्क ले रहा हूँ बस सब लोगों के लिए, ज्यादा रिस्क हुआ तो नहीं लेंगे। मुश्किल है ना अभी तक यहाँ पे देखो बर्फ ही बर्फ है, ऐसे ही जाना पड़ेगा बस। वो तो निकल गया, यहाँ पे वैसे बहुत जल्दी ड्राई हो रहा है, कितना शॉट ले पाएंगे पता नहीं, पर जो भी होता है दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। हम दोनों अभी पैदल चल रहे हैं, क्या करें, पर पैर भी फिसल रहे यहाँ पर, इतना स्लीपी रास्ता है, गाड़ी को तो चेन लगा के निकलना पड़ता है। ये शायद लेक है ना, शायद ये लेक है, अभी तो पूरा बर्फ से भरा हुआ, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह भी नहीं है। चलते सामने, सांस फूल रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, सांस फूल रहा है, बहुत ऊँचे आ गए ना, तकरीबन 12,000 फीट, पता नहीं सामने जा पाएंगे कि नहीं, तो कोशिश करते हैं। अभी बुमला बहुत दूर है, बहुत दूर, अपने जिंदगी में मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। कश्मीर जाने का कोई जरूरत ही नहीं गाइस, सब तो यही पर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ इतना अच्छा नजर है। पर गलती से ये रूट को क्रॉस करके यहाँ पे आ गया ना, तो गिर जाओगे, बहुत लोग गिरते हैं। फिलहाल आज का रूट ठीक है, आप लोग जब भी कभी आओगे बाइक लेके, हाँ तो आप जो गाड़ी का टायर का जो लाइन है उसके ऊपर अपना बाइक को चलाओ। वहाँ पे हमारा बाइक फंस गया, एक बाइक अभी निकल रहा है, हम तो ऊपर आ गए,
ऐसे करके देखो यहाँ से पूरा व्यू देखो गाइस कितना खूबसूरत है। मैं हे अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा ये वो पानी देखो पूरा फ्रोजन हो गया पानी था ये सब फ्रोजन हो गया देखो ये कितना गहरा है आप यहाँ से देख सकते हो ये पूरा अंदर चला गया। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे आके रुक गए यहाँ से बुमला बहुत दूर है पर मुश्किल बात यह है कि आगे और हम नहीं जा सकते ये पूरा बर्फ का रास्ता है पूरा बर्फ का रास्ता है बाइक ऐसे ऐसे फिसल रहा है कभी भी गिर सकते हैं बाइक से। ये तो पैदल ही चलते चलते गिर गया क्या करे भाई आदत से मजबूर जितना वक्त जाएगा और यहाँ का जो आइस है रास्ते पर जो आइस है ये ब्लैक होता जाएगा और ये पूरा सूख जाएगा। यहाँ पे हम आके रुके ये नागुला लेक है नागुला लेक टोटल एरिया 28,430 स्क्वायर फुट स्क्वायर मीटर सॉरी। तो यह है नागुला लेक पूरा फ्रोजन हो चुका है देखिए ये यहाँ नीचे पानी है ऊपर बर्फ है। पैर कितना अंदर चला गया पर तू किस बात का हो रहा है कि हम और आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करें पर फाइनल वही होगा कि आगे और नहीं जा पाएंगे क्योंकि जा सकते हैं पर लौटते वक्त बहुत मुश्किल है भाई गिरेगा ही गिरेगा क्योंकि पूरा ऐसे नीचे की तरफ अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इतना मुश्किल नहीं हो रहा पर आते वक्त नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा बाइक कभी भी फिसल सकता है। अभी हम थोड़ा फोटो खींचेंगे इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा आप लोगों को बहुत खूबसूरत नज़ारा आएगा। कल परसों जो जो लोग आए थे वो तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे और गाड़ी भी नहीं आ रहा था बाइक तो दूर की बात है। ये एक लेक है पूरा फ्रोजन हो गया है इसके अंदर रुको मैं जा रहा हूँ जितना तक जा सकता हूँ मैं ये रास्ता है इसी को देखते देखते सामने की तरफ जाऊंगा। ये हाथ भी जम गया है लाल हो गया पूरा। अजब है दीवाना ना दर ना ठिकाना जमी से बेगाना फलक से जुदा अजब है दीवाना ना दर ना ठिकाना जमी से बेगाना
फलक से जुदा, ये एक टूटा हुआ तारा ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा। अभी मैं फोटो खींचने के लिए जा रहा हूँ। ये आप लोगों को क्या दिख रहा है? बर्फी बर्फ है ना, पर यह एक लेक है, नागुला लेक। इसके नीचे पानी है, ऊपर पूरा फ्रोजन है, जम गया पूरा। अभी ये सब ये हम यहाँ पर है और ये लेक है। अभी इसके थोड़ा और आकर जाएंगे तो पानी में। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बर्फ जो है पिघल रहा है और रास्ता स्लिपी होता जा रहा है, तो फिर से बाइक चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी निकल रहे हैं। पर ये दिन कभी नहीं भूलूंगा गाइस, कभी नहीं। एक हेवन है गाइस, हेवन। आप चारों तरफ देखोगे ना, पूरा हेवन ही हेवन है। कोई चीज अगर आप पहली बार देखते हो ना, उसका खुशी अलग होती है। ये यहां से निकल रहा था और पूरा अंदर अंदर चला गया। पहाड़ों में बर्फ ही बर्फ है और बीच में हमें। तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे अभी मेरा सांस फूल रहा है, जाके गर्म पानी पीना पड़ेगा। ज्यादा जब भी आप लोग आओगे तो ज्यादा बातें मत करना, क्योंकि बहुत ऊंची जगह है ना, 14,000 फीट ऊंची है, तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। हमने सब कुछ बंदोबस्त करके लाया था ऑक्सीजन के उनके साथ, फिलहाल ये टेंशन नहीं है। पर अभी ज़्यादा बात कर लिया यहाँ पे और चिल्ला चिल्लाया तो अभी सांस फूल रहा है, ज़्यादा बात नहीं कर सकता हालत में। यहाँ पे मुझे गर्म पानी पीना पड़ेगा। बहुत गर्म है, प्लीज ना। नहीं तो बर्फ बन गया है गाइस। हम यहाँ से बिटनिया केक लिए थे खाने के लिए, ये पूरा मतलब मजबूत हो गया। ये बर्फ के टुकड़े के जैसा लग रहा है, जम गया पूरा, पूरा जम गया। क्या हुआ क्या हुआ और ये फिसल रहा है। आके पहुंच गए अभी अपने रूम में, यहाँ से अभी निकल जाएंगे। बैकपैकिंग हमने पहले कर लिया, अभी बाइक पर सेट करना है। आज बहुत दूर डेस्टिनेशन प्लान है, तो ये वीडियो यही तक रखते हैं। बाकी अगले एपिसोड में देख लेना हम कहाँ तक पहुंचे, क्या हुआ रास्ते पे सब कुछ। तो तब तक के लिए आज का वीडियो यही तक खत्म करते हैं। बाय, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और इंस्टाग्राम को फॉलो करो अपडेट के लिए, मिल जाएगा। लव यू गाइज।